तो गाइस आज हम लोग आदिपुरुष के न्यू ट्रेलर और इसके ओल्ड टीजर का कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि इसके पुराने टीजर में इतनी गलतियां थी कि आदिपुरुष के मेकर्स को बहुत ही ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। और उसे ध्यान में रखते हुए आदिपुरुष के न्यू ट्रेलर में इन्होंने कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं इसके ऊपर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस कंपैरिजन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पहला ग्राफिक्स एंड विजुअल्स और दूसरा कैरेक्टर्स। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल्स और ग्राफिक्स के ऊपर। तो टीजर और ट्रेलर इन दोनों के ही ओपनिंग शॉट में हमें जंगल को दिखाया गया है, पर अगर आप लोग टीजर वाले जंगल को देखोगे तो बहुत ही ज्यादा फेक और कार्टून टाइप नजर आता है, पर वहीं इसके ट्रेलर वाले जंगल को देखोगे तो वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि इसको अच्छे से टेक्सचराइज किया गया है और उसमें शेडो का भी यूज अच्छे से किया गया है, और साथ ही साथ इसके टोन को भी थोड़ा डार्कर रखा गया है ताकि ये हमें वो रियलिस्टिक वाली फील दे जाए। और यही नहीं, इस ट्रेलर में जितने भी जंगल वाले शॉट्स है वो कहीं से भी फेक नजर नहीं आते हैं, यानी कि इस चीज पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है ताकि हमें ये वो रियलिस्टिक वाली फील दे सके जो कि इसके टीजर में मिसिंग थी। इसके बाद इस टीजर में एक पानी वाला शॉट दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से फेक नजर आता है, क्योंकि इसमें पानी से लेकर प्रभास के कैरेक्टर तक भी पूरा का पूरा एनिमेटेड है, और ऊपर से जो इसमें बेफिजूल के इतनी ज्यादा लाइटनिंग सोर्स को डाला गया है वो इसको और भी ज्यादा फेक बना देता है। और ये सीन ट्रेलर में तो नहीं है, पर पानी वाला एक दूसरा सीन ट्रेलर में दिखाया गया है जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक नजर आता है, क्योंकि इसके टोन को थोड़ा डार्क रखा गया है और बेफालतू के लाइटनिंग सोर्स को इसमें नहीं डाला गया है। और सिर्फ इस सीन में ही नहीं बल्कि पूरे ट्रेलर में आप लोग ये नोटिस कर सकते हो कि इसके टोन को थोड़ा डार्कर रखा गया है और बेफालतू के लाइटनिंग सोर्स को भी अवॉइड किया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं इस सीन पे। तो इस सीन में आप लोग नोटिस कर सकते हो कि इसमें लाइटनिंग सोर्स का तो डिफरेंस है ही, और उसके साथ साथ एक और चेंज भी किया गया है, और वो है हनुमान जी के कैरेक्टर का जो धोती का कलर है वो टीजर में तो व्हाइट था, पर ट्रेलर में आप लोग देख सकते हो कि ये भगवा कलर का है। और लाइटनिंग सोर्स को एडजस्ट करने के साथ साथ इसको थोड़ा टेक्सचराइज भी किया गया है ताकि ये देखने में हमें थोड़ा रियल लगे। तो ये सारे चेंजेस इस सीन में किए गए हैं। इसके बाद टीजर के दो सीन्स में उसके कलर के साथ साथ उसके विजुअल्स में भी चेंज किए गए हैं, जैसे ये वाला सीन जहाँ पे श्री राम समुद्र के पास बैठकर अपना बाण उठाते हैं, तो वहाँ पे टीजर में सिर्फ आग वाला इफेक्ट को ही डाला गया है, पर वहीं ट्रेलर में अगर आप लोग इस सीन को देखोगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लोइंग इफेक्ट्स के साथ साथ कुछ पार्टिकल्स को भी ऐड किया गया है। उसके बाद टीजर के लास्ट वाले सीन को ट्रेलर में देखोगे तो उसमें भी एक्स्ट्रा ग्लोइंग इफेक्ट्स के साथ साथ कुछ पार्टिकल को ऐड करा दिया गया है। तो ये थे कुछ विजुअल चेंजेस जो कि आदिपुरुष के टीजर के बाद इसके ट्रेलर में देखने को मिलता है। अब अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो आदिपुरुष के टीजर में अगर आप लोग प्रभास के कैरेक्टर को नोटिस करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा एनिमेटेड नजर आता है, पर वहीं अगर आप लोग ट्रेलर में प्रभास के कैरेक्टर को देखोगे तो वो रियल ही दिखाया गया है। और माता सीता का जो ड्रेस था वो टीजर में पर्पल कलर का दिखाया गया था, पर वहीं उसे इसके ट्रेलर में चेंज करके भगवा कलर का रंग दे दिया गया है। और बजरंग बली के कैरेक्टर में भी उनके सिर्फ धोती के कलर को ही चेंज किया गया है, और कुछ उनके कैरेक्टर में हमें चेंज नजर नहीं आता है। और इसके अलावा जो रावण का कैरेक्टर है उसे अभी तक इस ट्रेलर में छुपा के रखा गया है। एक सीन पे रावण के कैरेक्टर को दिखाया जाता है, पर ये उसका बहरूपिया वाला कैरेक्टर है जहाँ पर वो माता सीता को अगवा करने के लिए जाता है। और इसके अलावा रावण के ओरिजिनल कैरेक्टर को अभी तक ट्रेलर में एक बार भी नहीं दिखाया गया है। हाँ, ट्रेलर के लास्ट में रावण को दिखाया जाता है, पर वो भी पीछे से। तो यहाँ पर आदिपुरुष के मेकर्स ने बहुत ही स्मार्टली रावण के कैरेक्टर को छुपा लिया है। सो ये थी आदिपुरुष के टीजर एंड उसके ट्रेलर का कंपैरिजन। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, और आप लोगों के जो भी ओपिनियन से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।